नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का राजस्थानी मारवाड़ी हॉर्स यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आया हुआ हूँ ये अपने पाठन में, और पाठन में एक बहुत ही बढ़िया हॉर्स लवर है और काफ़ी समय से हॉर्स पालन का काम कर रहे हैं, और पेशे से एक बहुत ही बढ़िया इंजीनियर भी है ये। और पहले तो सर आपका नाम बताइए, शुभ नाम। मेरा नाम किरण भाई है। अच्छा किरण भाई। हाँ। और अपना फार्म किस नाम से है? हमारा फार्म लाल स्टार फार्म से स्थित है, चाणस में। अच्छा चाणस में, पाठन में आता ना? हाँ, पाठन में। तो ये जैसे अपन डीसा जो सिटी है उससे कितना पड़ जाता है? 17 किलोमीटर दूर हो सकता है। अच्छा, तो पास में कौन सी सिटी इसमें? ये पाठन डिस्ट्रिक्ट से नजदीक ही पड़ता है। अच्छा, तो अपने पास अभी जैसे अपने फार्म पे कितने घोड़ा घोड़ी अवेलेबल है? हमारे पास 2 जानवर है। अच्छा, दोनों ही मेल ही है ना कि मेल फीमेल? दोनों फीमेल ही है। अच्छा, तो कौन सी मारवाड़ी फीमेल ही है दोनों? हाँ, प्योर मारवाड़ी फीमेल है। अच्छा, ये देख सकते हो उसका भेस, उसकी गर्दन, सही आप सभी जो दोस्तों जी 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 देख सकते हैं। तो सर आप पेशे से खुद इंजीनियर है, हर चीज आप नाप तोल के करते हैं। तो अभी अपन बात जिस ये बच्ची है या घोड़ी है? नहीं, ये बच्ची ही है। अच्छा, अभी 4 दांत बच्ची हुई है। अभी 4 दांत मतलब एडल्ट अभी हुई है, पूरी उम्र की 4 दांत अभी की है। तो अपन इसकी जो पेडिग्री है डिटेल वगैरह ये आप हमें दीजिए, इसका क्या नाम है और कौन है फादर? इसका नाम है लालपुरी नाम है उसका। अच्छा, और उसका फादर साइड से शिवराज। अच्छा, शिवराज घोड़े की बच्ची है ये, शिवराज घोड़े की बच्ची जो शिवराज राज घोड़े का है। हाँ, राज घोड़े का। अच्छा, तो अभी क्या हाइट है इसकी? उसकी करीब आप देख सकते हो 61 है अभी, 61 प्रेजेंट टाइम अभी। हाँ। 61 है, क्योंकि हाइट को सर इसमें ऐसा है कि हाइट को मायने नहीं रखता, क्योंकि मारवाड़ी ब्रीडिंग में ऐसा है कि पेडिग्री कैसी है वो दिखना चाहिए। सही है, क्योंकि सभी लोग जो हाइट पे जाएंगे जी जी 65-70 तक अभी मारवाड़ी की हाइट हो चुकी है जी, लेकिन जी। उसमें कट पॉइंट भी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं तो उसमें हाइट है लेकिन जानवर में पावर नहीं है, सही है, एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि मारवाड़ी है लेकिन पावर भी होना चाहिए। सही है, सही है, क्योंकि सभी हाइट में जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 59 तक की घोड़ी 65 का भी बच्चा दे सकती है। सही है, लेकिन उसके पीछे उसकी पेडिग्री, पेडिग्री मायने वही रखती है, सही बात है। अनब्रीडिंग नहीं होना चाहिए, इनब्रीडिंग से फिर दिक्कत होने लग जाता है। तो सर जैसे मैं पूछना चाहूंगा, इसकी जो मदर है वो आप ही के पास है या किसी? नहीं, हमारे पास ये हमारी इसकी मदर नहीं थी। अच्छा, लेकिन मदर साइड से वंदरा जो हमारा यहाँ से नजदीक में ही है चंडालज बाग, अच्छा गिरीश भाई के पास थी। अच्छा, वो उसकी मदर है। अच्छा, वनराज की डायरेक्ट थी। अच्छा, इसकी मदर वनराज की डायरेक्ट है, तो मदर लाइन से ये अपने वनराज की होगी और फादर लाइन से मतलब ये रत्नागर लाइन की होगी। हाँ। बराबर ना? ठीक है। तो सर जैसे आपने जैसे फर्स्ट में ये घोड़ी आपने खरीदी, हाँ, हमने तो इसमें आपने क्या चीज ज्यादा दिया उसको जोर की भाई ये चीज ज्यादा होनी चाहिए, हाइट का कोई इश्यू नहीं है? हाइट का ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन हमें उसमें क्या है कि गर्दन होना चाहिए। अच्छा, और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि मारवाड़ी ब्रिज मारवाड़ में क्या है सर कि उसमें पावर होना चाहिए। सही है, कि मान लीजिए कि हर घोड़े पावर नहीं करते। सही है, इसलिए मारवाड़ी सबसे ज्यादा चलती है मार्केट में। सही है, तो बहुत सारे नस्ल के घोड़े आते ही है जी 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 जी, लेकिन मारवाड़ी में क्या है कि उसका पावर मजबूत और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन भी हमारे पास होनी चाहिए। हॉर्स पावर के वजह से इनको ज्यादा मान्यता दी गई है मारवाड़ी को, क्योंकि इनका जो स्टेमिना होता है वो हर चीज में डल जाता है, गर्मी लगा के सर्दी लगा के हर चीज में सूटेबल हो जाता है। सही बात है। तो सर जैसे अब तो आप ये बच्ची कहीं रिंग वगैरह आपने लगाई? नहीं, हमने रिंग में किसी भी रिंग में हमने नहीं लगवाई। अच्छा, क्योंकि ऐसा हमारा कोई शौक ही नहीं, क्योंकि ये जो घोड़े हम रखते हैं, क्योंकि मैं पेशे से खुद इंजीनियर हूँ जी जी जी, और मैं उसको रखता हूँ मेरे शौक के लिए रखता हूँ। अच्छा, आपके शौक से हिसाब से ही है। तो सर शो वगैरह मेला वगैरह देखने जाते होंगे तो देखने के लिए जाते हैं फिलहाल जी जी, लेकिन बच्ची को नहीं उतारते हम, तो नहीं उतारते। तो आप और कुछ कहना चाहेंगे जैसे कोई शो वगैरह है तो उसमें जाते होंगे, तो आपको क्या चीज मतलब गलत लगती है और क्या सही लगती है?
मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट आप बताइए। ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि शो में बहुत अच्छे घोड़े ले भी जाने चाहिए, लेकिन ऐसा है कि हमारे पास टाइम, खुद के पास टाइम नहीं है। जी जी जी। और कहूँगा क्योंकि जब भी कोई भी इंसान घोड़ा खरीदता है तो सभी ना सभी लोगों को किसी दूसरे को पूछ के लेता है। सही बात है कि सर कैसा घोड़ा है, क्योंकि हमारा दिल जो मानता है तो वैसा ही घोड़ा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सही है। और मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि बाल भमरी के बारे में, तो बाल भमरी में ऐसा कुछ नहीं होता। सही है। कि ऐसा है लेकिन घोड़ों की वैल्यू डाउन करने के लिए बाल भमरी होती है। सही है। सही मान लीजिए कि आपकी खुद की बात करूँ तो आपके बाल जो है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। जी जी। तो ऐसा थोड़ा है कि बुरा है ये इंसान। सही है क्योंकि आपकी वजह से, और ये घोड़ों की वैल्यूएशन डाउन करने के लिए बाल भमरी का निकाला है हुआ है। मतलब ये व्यापारी के हिसाब से व्यापारी तरीका, जिससे घोड़ों की रेट कम की जा सकती है। कि भाई ये भंवरी खराब है, भंवरी खराब है, क्योंकि पहले के जमाने में जब युद्ध में जाते थे उस टाइम बाल भंवरी का था, मगर आज कोई युद्ध में नहीं जाता, शौक से पालता है। तो उस हिसाब से अगर अच्छा अगर अपन घोड़ा लेना चाहेंगे तो अगर उसकी भंवरी खराब होगी तो अच्छे घोड़े अपन नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि उसमें जो नया इंसान आ रहा है तो उसको भड़काने का, उसका शौक पूरा नहीं करने की वजह से ये ला रहा है। सही है। मान लीजिए कोई नया बंदा घोड़ा लेता है तो उसको लोग ऐसा ही बोलते हैं कि उसकी देवमन भमरी नहीं है। सही है। होम है। जी जी। ऐसा है। जी जी। लेकिन ऐसा कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे स्टेलियन भी देखे, उसमें बाल भमरी होती है तो भी बहुत अच्छा स्टेलियन है। जी जी जी। तो सर मिलके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन सर की एक घोड़ी और है वो भी बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा भी बहुत हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अपन जो भी सर से जानकारी है और इनकी जो सेकंड घोड़ी है वो भी दिखाएंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।